हेलो फूडीज, वेलकम टू अमेच्योर जंक्शन। आज हम देखेंगे खट्टा मीठा चिवड़ा की रेसिपी। आप इसे एक बार बनाकर आराम से एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे टी टाइम पर एंजॉय कर सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मोटे वाले पोहे लिए हैं। हमें इसे डीप फ्राई करना है तो इसलिए इसे पहले छान लेंगे जिससे कि इसमें पोहे का जो भी चूरा हो वो निकल जाए और हमारा तेल फ्राई करते वक्त खराब ना हो। तो पोहे को फ्राई करने के लिए हमें काफी गर्म तेल चाहिए होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने तेल में पोहा डाला वो तुरंत तैरकर ऊपर आ गया और साइज में भी काफी फूल गया। हमें वैसा ही तेल चाहिए। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके पोहे को फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पोहे डालते ही तेल में बबल्स आ गए और वो तुरंत सेटल भी हो गए और सारे पोहे फूलकर ऊपर आ गए। यहाँ पर एक बाउल के ऊपर मैंने छन्नी रखी है। पोहे को हमें ऑयल से निकाल के उसी छन्नी में डालना है जिससे कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सब बाउल में निकल जाए। अब हम जल्दी से सारे पोहे को इस तरह से निकाल लेंगे जिससे कि वो सफेद ही रहे और उसका कलर डार्क ना हो। अब इसी तरह से हम सारे पोहे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है कि तेल को आपको पहले हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है और उसके बाद गैस को मीडियम टू हाई के बीच में रखना है। तेल अगर थोड़ा भी ठंडा हो जाए तो उसे फिर से पहले गर्म कर ले, उसके बाद ही पोहा को फ्राई करें। अगर आपने जरा भी ठंडे तेल में पोहा को फ्राई किया तो वो फूलेंगे नहीं और बिल्कुल भी क्रिस्पी और लाइट नहीं बनेंगे, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। दूसरी जरूरी बात, सारे पोहे फ्राई हो जाने के बाद आप पहले तेल को छान ले, उसके बाद ही बाकी चीजें फ्राई करने के लिए यूज करें। पोहा फ्राई हो जाने के बाद हम उसे इस तरह से एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इस बर्तन में मैंने नीचे टिश्यू पेपर रखा है जिससे कि इसमें जो भी बचा हुआ ऑयल हो वो सब टिश्यू पेपर पे निकल जाए। अब इसी तरह से सारे पोहे को फ्राई करके मैंने इस बर्तन में निकाल लिया है। अब मैंने तेल को छान लिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर से गरम कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। अब हम इसमें मूंगफली के दाने फ्राई कर लेंगे। इसे लो टू मीडियम हीट पे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर डार्क हो जाए और इस तरह से फूट जाए तब हमें इसे ऑयल से निकाल लेना है। इसमें से सारा एक्सेस ऑयल इस तरह से झटक के निकाल लेंगे और हमने जो पोहे फ्राई करके रखे थे उस पर डाल देंगे। अब इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम काजू और बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 70-80 ग्राम के करीब दोनों को मिला कर लिया है। इसे फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही काजू पर हल्का कलर दिखने लगे इसे ऑयल से निकाल ले और इसमें से भी इस तरह झटक के एक्सेस ऑयल निकाल ले और फ्राई किए हुए पोहे पर डाल दे। अब यहाँ पर मैंने 30-40 ग्राम किशमिश लिया है। इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये तुरंत ही फ्राई हो जाता है तो जैसे ही फूल जाए इसे ऑयल से निकाल ले और इसे भी एक्सेस ऑयल निकाल के फ्राई किए हुए पोहे पर डाल दे। अब मैं 20-25 कड़ी पत्ते फ्राई कर लूंगी। इसे तेल में डालते समय थोड़ा दूर से डाले या फिर तेल में डालते ही एक प्लेट से हल्का ढक दे। ये भी 20-30 सेकेंड में ही फ्राई हो जाते हैं और जब ये इस तरह से पूरे क्रिस्पी हो जाए तब इसे भी ऑयल से निकाल के पोहे में डाल दे। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप चना दाल और 1/4 कप मूंग को अच्छी तरह से धोकर 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखा था और उसी पानी में 2-2 पिंच भर के बेकिंग सोडा भी डाल दिया था। बेकिंग सोडा डालने से ये अच्छी तरह से फूलते हैं और जब हम इसे ऑयल में फ्राई करते हैं तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफी लाइट बनते हैं। अगर आप इसे भिगाते वक्त इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो ये फ्राई करने के बाद बहुत ज्यादा क्रंची बनेंगे और खाने में बहुत हार्ड लगेंगे। 8-10 घंटे के बाद मैंने इन्हें साफ पानी से धो लिया और किचन काउंटर पर ही एक कपड़े पर फैलाकर सूखने के लिए रख दिया। हमें इसे बस इतना सुखाना है कि इस पर पानी ना रहे और छूते समय गीले ना लगे। अगर आप इसे गीले में फ्राई करेंगे तो आपका तेल भी खराब होगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर चना दाल को फ्राई कर रही हूँ। इसे फ्राई करने के लिए आपको तेल काफी गर्म चाहिए और फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखें। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने दाल को ऑयल में डाला ऑयल में बहुत सारे बबल्स आने लग गए। अब जब तक ये बबल सेटल होंगे हमें इसे तब तक के फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसे फ्राई करने में मुझे टोटल 4-5 मिनट लगे हैं। ऑयल में बबल्स मॉइस्चर की वजह से आते हैं और जैसे ही इसका मॉइस्चर कम होने लगेगा ऑयल के बबल्स भी कम हो जाते हैं और जिसका मतलब है कि वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ऑयल में बबल्स काफी कम हो गए हैं। इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसे ऑयल से इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे जिससे कि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। अब इसे भी हम इस तरह से निकाल के फ्राई किए हुए पोहे में डाल देंगे। अब इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके मूंग को भी हम फ्राई कर लेंगे। इन सारी चीजों को आप डायरेक्ट ऑयल में छन्नी डाल के भी फ्राई कर सकते हैं जिससे कि फ्राई करने में और ऑयल से निकालने में बहुत आसानी होगी।
अब हमारी सारी चीज़ें फ्राई करके रेडी है, तो हमने जो इसमें टिश्यू पेपर डाला था उसे निकाल लेंगे और चिवड़ा के लिए एक मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबलस्पून सौंफ ली है और इसे हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। सौंफ का पाउडर बनके रेडी है, अब हम इसमें बाकी मसाले भी डाल लेंगे। तो सबसे पहले एक टीस्पून नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड डाल देंगे। इससे चिवड़ा में मार्केट के खट्टा मीठा चिवड़ा जैसा खट्टापन आएगा। आप इसके जगह पर 1/4 टीस्पून टार्टरिक एसिड भी डाल सकते हैं और 2 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पीसी हुई चीनी ली है और आखिरी में 1/2 टीस्पून काला नमक डाल देंगे। अब हम इसे फिर से मिक्सर में 30 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे, जिससे कि सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एक अच्छा फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और हमें ये पूरा मसाला चिवड़ा में यूज़ करना है। अब आखिरी में मैंने एक बड़े पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया है और उसे हल्का गर्म करके गैस बंद कर दिया। अब इसमें 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब उसे तेल में हल्का सा पका लेंगे, जिससे कि हल्दी पाउडर कच्ची ना रहे, और उसे इस तरह पैन में फैला लेंगे। अब हमने जो एक बाउल में पोहा और बाकी चीज़ें फ्राई करके रखी थी उसे इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 कप रेडीमेड सेव डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गार्लिक सेव ली है और हमने जो चिवड़ा मसाला बना के रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से सारी चीज़ें एक साथ मिलने तक मिला लेना है। तो अब हमारा खट्टा मीठा चिवड़ा बन के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।